जल्दी निकालो सामान सारा। जी किंजरबा जी, पर आप ये सारा सामान देंगी किसको? सोचती हूँ थोड़ा बहुत तुम्हें दे दूँ, और बाकी का क्या करना है बाद में देखूंगी। ज्वेलरी तो सारी वो ले गई है साथ अपने। लेकिन वो तो खाली हाथ निकले थे ना घर से, और वक्त भी शाम का था। मेरे सामने आई थी वो घटिया लड़की, और ज्वेलरी अपने साथ ले गई। लगता है तुम्हें भी बेवकूफ बना गई है। मुझे पता है, सारी ज्वेलरी आप अपने कमरे में ले गई थी। बेचारी फलक दीदी कि सब कपड़े जूते दूसरा सारा सामान यहाँ है, पता नहीं कैसे रह रहे होंगे वो दोनों। बहुत बुरा किया किंजाबाजी आपने, अल्लाह को तो जैसे आप भूल ही गई हैं। किस सोच में पड़ गई हो? घर में इतने सारे काम पड़े, नया सामान भी आने वाला है, वो भी रूम में सेट करना है। जी ठीक है, पर आप ये कमरा देंगी किसको? भाई मेरा अली रहेगा इसमें, जाहिर है अब तो वही मालिक है इन सबका। वैसे भी काफी दिनों से मुझसे कह रहा था कि रमशा उसे बहुत तंग करती है, डिस्टर्ब करती है। अब अकेले सुकून से अपने कमरे में रहेगा, उसी के लिए सेट कर रही हूँ मैं ये रूम। पर किंजाबाजी, इतना छोटा बच्चा अलग अकेले कमरे में कैसे रहेगा? तुम्हें बड़ा पता है कि क्या करना है क्या नहीं। नौकरानी हो नौकरानी बनकर रहो, मुझे पता है मुझे क्या करना है। तुमसे जो कहा गया है ना बस वही किया करो, जो अपना काम करो। जी। इसका फोन आ गया। सब चला गया, समझती हूँ मैं आपकी। जैसे मैं तो आंखें बंद करके काम करती हूँ, मुझे तो कुछ नजर ही नहीं आता।